इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITS गाजियाबाद के बारे में, जो कि मोहन नगर में लोकेटेड है, राइट? और इस कॉलेज की कुछ प्रोस कॉन्स, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट्स को हम देखेंगे, किस तरह की प्रोफाइल्स आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। So hi, my name is Arshikan and you're watching MBA with Arshikan, and in this video I'm going to talk about ITS Ghaziabad. अगर हम बात करें तो 1998 का ये कॉलेज है, 60 प्लस एकर्स में, बिकॉज और भी कई सारे कोर्सेज ये कॉलेज कराता है, इंजीनियरिंग कराता है, BBA कराता है, PGDM भी कराता है, MBA भी कराता है। एफिलिएशन जो है इनके MBA का, दैट इज फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। NAAC का accreditation है, MBA है, AICTE का accreditation है, right? और A grade accreditation है when it comes to NAAC। कई सारे courses कराता है, पर हम इस वीडियो में specifically बात कर रहे हैं MBA और PGDM के बारे में। हाईएस्ट पैकेज जो 2020 का कॉलेज क्लेम कर रहा है, दैट इज 27 लाख, बट वो भी हम देखेंगे। रैंकिंग को स्किप करते हुए MBA की अगर हम बात करें, फी स्ट्रक्चर जो है वो 3,25,000 का है, विच इज a kind of a decent fee structure। PGDM की अगर हम बात करें तो 6 लाख का fee structure है। Eligibility और admission process की बात करें, almost सारे entrance के basis पे आप apply कर सकते हो, then you go for the interview process और उस basis पे कहीं ना कहीं admission होता है। MBA में उतना difficult नहीं है, because वो counseling process जो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की होती है, जितने भी दूसरे colleges हैं, right from GL बजाज या फिर मंगल में जो भी colleges वहां पे हैं, या पूरे दिल्ली NCR में जो इस यूनिवर्सिटी से affiliated है, उन सभी का counseling process सेम रहता है। MBA का इंटेक 240 का है, PGDM का इंटेक 180 का है, बहुत ज्यादा इंटेक नहीं है कॉलेज का, राइट? आपको एप्लीकेशन फिल करना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, राइट? व्हेन यू फिल द एप्लीकेशन, आपको कॉल आता है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, आपके पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन होता है। ऑलमोस्ट 10 में से 10 बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो ये कहीं ना कहीं उतना डिफिकल्ट नहीं है एडमिशन होने के लिए। प्लेसमेंट्स की अगर हम इस कॉलेज की बात करें, 2020 में 230 जॉब्स वर ऑफर्ड, एवरेज सैलरी वॉज 5,65,000। टॉप 50 स्टूडेंट्स के 7.5 लाख का एवरेज पैकेज था, हाईएस्ट पैकेज 27 लाख का था। टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूड्स मॉन्डल्स, डाबर, EY, KPMG, ITC, Amazon, अगेन ये इन्होंने 2020 में टॉप रिक्रूटर्स लिखे हैं। पहले तो दैट इज द प्लेसमेंट ओनली फॉर MBA और PGDM, या फिर ये पूरा प्लेसमेंट जो है वो इन जनरल प्लेसमेंट होता है। होता क्या है, सभी जो उनका इंजीनियरिंग का भी डिपार्टमेंट है, सारी कंपनीज आती हैं, अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें इंजीनियरिंग भी चाहिए, हमें MBA भी चाहिए, तो वैसे स्टूडेंट्स बैठते हैं। मैं कई सारे स्टूडेंट्स से बात कर रही थी, कई का ये कहना है कि MBA कोर्स उनका थोड़ा सा ज्यादा नोन है, राइट? क्योंकि फीस कम है और उसके हिसाब से अगर आपको 5 लाख के आसपास का एवरेज मिलता है, बिकॉज मिनिमम जो सैलरी है दैट इज अराउंड 4.5 लाख, तो उसके हिसाब से ROI है। अगर आप PGDM के लिए जाते हैं तो भी फी स्ट्रक्चर होना वेरी हाई असाइड नहीं है, बिकॉज 8.5 लाख के अंदर अगर आपको PGDM भी मिलता है, बट जो एक प्रॉब्लम है कॉलेज में, इट्स नॉट विद द एवरेज पैकेज, इट इज नॉट विद द ROI, राइट? इट इज विद द प्रोफाइल्स, राइट? मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, व्हेन शी टोल्ड मी दैट इट्स बेसिकली कि प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं, बट मैंने लेट्स से फाइनेंस किया है या मैंने मार्केटिंग की है, तो आई वांटेड टू वर्क फॉर द प्रोफाइल ऑफ मैनेजर, राइट? आई डोंट वांट टू वर्क फॉर द प्रोफाइल ऑफ सेल्स, राइट? तो यहां पे कहीं ना कहीं इश्यू आता है व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज। बाकी ROI अच्छा है, और भी कोर्सेस कराता है, अगेन इट्स नॉट लाइक कि इट्स अ बी स्कूल ओनली, राइट? ये दूसरी चीज है जो आपको देखनी है व्हेन यू गेटिंग इनटू दिस कॉलेज। आई एम टेलिंग यू, प्रोफाइल के हिसाब से भी कॉलेजेस थोड़े नहीं बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। लेट्स से आप एक स्टूडेंट हो एक्स, आपके लिए दिस कैन बी द परफेक्ट ऑप्शन, राइट? बट एक और आपका फ्रेंड है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाई, उसके लिए हो सकता है ये कॉलेज उतना अच्छा ऑप्शन नहीं हो। तो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू गेटिंग इनटू ऑल दीज बी स्कूल्स पैन इंडिया, बिकॉज टीयर 2 में ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस जितने मैंने अभी तक देखे हैं, सबके पैकेजेस 5-7, कुछ थोड़े से और अच्छे होंगे 8-9 की कैटेगरी में आ जाते हैं, पर कहीं ना कहीं सेम है, राइट? वहां पे सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजों का डिफरेंस है, राइट? कुछ चीजें जो नहीं पता चलती हैं, दैट इज हम सब जगह रैंकिंग देख लेते हैं, बेस्ट देख लेते हैं, और ये देख के हम उस कॉलेज में चले जाते हैं। हमें ये नहीं पता है कि यार मुझे 6.5 लाख का पैकेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यार मुझे 5 लाख का पैकेज मिले, बट माई प्रोफाइल शुड बी गुड, राइट? कुछ का ये है कि आई डोंट रियली, डजंट मैटर कि क्या प्रोफाइल मिल रही है, आई एम ओके विद द सेल्स ऑल्सो, बट आई वॉन्ट गुड पैकेजेस, राइट? कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि
हूँ, मुझे कंपनीज अच्छी चाहिए, प्रोफाइल मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे चीजें वेरी करती हैं। 100% प्लेसमेंट जैसा नहीं होता, सम कॉलेजेस हैव 60, सम कॉलेजेस हैव 70, सम कॉलेजेस हैव 80%, पर वो जो 20% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ उनका कहीं पे भी नहीं हो सकता है। ये भी एक चीज है जो कॉलेज के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, बिकॉज इन कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस में उतना ज्यादा बैरियर नहीं है, राइट? व्हेन यू गो टू आईआईएम्स, आईआईएम्स में 26 लाख के पैकेजेस इसलिए आते हैं क्योंकि वो बच्चे ने क्रैक किया है यार, मतलब 2000 बच्चों में से यू नो दे काइंड ऑफ पिक अप यू नो 30, 40, 50 या 300, 400 स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द रीजन कंपनी को पता है यहाँ पे इट्स लाइक यू नो डायमंड यू नो ब्रीड के बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन दे कम विद दैट पैकेज। तो ये कहीं ना कहीं प्लेसमेंट जो है वो स्टूडेंट पे वेरी करता है। ये इंटरनेशनल टाइप है कई सारी यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर, देन टेसाइड यूनिवर्सिटी, राइट, एशियन यूनिवर्सिटी, यू नो दैट माइट कैन बी यू नो फॉर दी गेस्ट फैकल्टी, दे दैट माइट कैन बी फॉर दी इंटरनेशनल एक्सपोजर, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जिनके मैट में 625 से 700 के बीच में, 30,000 की स्कॉलरशिप है, 701 से और अबव से है 40,000 की स्कॉलरशिप ये कॉलेज देता है। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट दिस कॉलेज ITS गाजियाबाद। आई स्टिल नो दैट आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं आपको लेके, बिकॉज यहाँ पे हम बात इन जनरल कर रहे हैं कि लेट्स से इस वीडियो को 1000 बच्चे देख रहे हैं, 500 बच्चे देख रहे हैं, 10,000 बच्चे देख रहे हैं, बट आपके इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हो तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.